भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की ओर से आपका स्वागत है। आज हम स्मोक पोर्क सॉसेजेस के प्रसंस्करण और PMFME योजना के क्षमता निर्माण घटक के बारे में बात करेंगे। सुअर का मांस दुनिया के कई हिस्सों में खाया जाता है। यह दुनिया भर में सबसे ज्यादा खाए जाने वाला मांस में से एक है। सुअर के मांस में उच्च पोषण मूल्य होता है। मांस प्रसंस्करण उपकरण कई टुकड़ों में संसाधित किया जा सकता है। इसके रंग द्रव्य को ठीक करने से इसका शेल्फ जीवन बढ़ जाता है। सुअर के मांस के प्रसंस्करण का मुख्य उद्देश्य मांस को संरक्षित करना और मांस को स्वादिष्ट बनाना है। सुअर के मांस को संरक्षित करने के कुछ तरीकों में से मांस को हैम, स्मोक्ड पोर्क, गेमन बेकन और सॉसेजेस में बनाते हैं। इस वीडियो में हम स्मोक्ड पोर्क सॉसेजेस के प्रसंस्करण पर गौर करेंगे। सॉसेजेस मांस को साफ आंतों से बने ट्यूबुलर आवरण में भरने की एक विधि है। तो आइए अब देखें कि सुअर के मांस को कैसे संसाधित किया जाता है। क्षेत्र पिग प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करने के लिए कम से कम 10,000 वर्ग फीट क्षेत्र की आवश्यकता होती है। मशीनरी आवश्यक मशीनरी में एक स्टनर, स्केलिंग टैंक, हेड ड्रॉपिंग मशीन, स्वचालित हॉन्ग स्प्लिटर, टो और हॉक कटर, स्प्लिटिंग बैंड, सर्कुलर स्प्लिटिंग आरी, हैंड स्किन टूल, बाउल कटर, मीट मिंसर, सॉसेजेस फिलर, स्मोक्ड ओवन, पैकेजिंग मशीन आदि शामिल है। प्रक्रिया सुअर बाड़े में पाले गए सुअरों का वजन पर्याप्त हो जाने के बाद उन्हें बूचड़खाने में भेज दिया जाता है। स्टनिंग इलेक्ट्रिक स्टनर का उपयोग करके सुअरों को स्तंभ या बेहोश कर दिया जाता है। वध इकाई बूचड़खाने इकाइयों में सुअरों का वध किया जाता है। पकाना लगभग 60 डिग्री सेल्सियस पर पानी में आमतौर पर 6 मिनट तक उबालने से बाल ढीले हो जाते हैं। यदि तापमान बहुत अधिक है तो त्वचा पक जाएगी और बालों को निकालना मुश्किल हो जाएगा। त्वचा से सारे बाल हटाने के लिए शवों को साफ किया जाता है। सिंजिंग यह सतह त्वचा को हल्के से जलाने की एक प्रक्रिया है और किसी भी शेष बाल को हटा देता है और त्वचा को सेट करता है। इससे सूक्ष्म जीवों संदूषण हट जाता है और आकर्षक उत्पाद प्राप्त होता है। यह प्रक्रिया हैंडहेल्ड गैस टॉर्च के द्वारा की जा सकती है। मांस प्रसंस्करण मांस काटने के बाद सिर को हेड ड्रॉपिंग मशीन से काटा जाता है। पेट और छाती की गुहा से आंतरिक अंगों को हटा दिया जाता है। इसके बाद हॉग और सॉर्टर को हटा दिया जाता है। फिर साफ किए गए शवों को काटने वाली इकाई में भेज दिया जाता है। काटने की इकाई में साफ मांस को हड्डियां और कंडराओं से काट देते हैं। सिर और पैरों को धड़ से अलग कर देते हैं। सॉसेजेस बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला मांस बिना अधिक वसा वाला होना चाहिए, जिससे लाल मांस त्वचा से अलग हो जाए और मांस को टुकड़ों में काट दिया जाता है। कटे हुए टुकड़ों को फिर पीसने वाली मशीन में डाल दिया जाता है। मीट ग्राइंडर मांस को एक समान मांस कणों में परिवर्तित करता है। आवश्यकताओं के आधार पर मांस को मोटा या बारीक पीस लिया जाता है। पीसने के बाद मांस को मीट मिक्सर का उपयोग करके मिश्रित किया जाता है, जहां पानी सब मिश्रित अगले स्तर पर सॉसेजेस के स्वाद और बनावट को निर्धारित करता है। स्टफिंग सॉसेजेस फिलर मशीन या सॉसेजेस स्टफर का उपयोग करके की जाती है। मिश्रित मांस को सॉसेजेस आवरण में भर दिया जाता है। अगला चरण सॉसेजेस को गर्म करना है, जो एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जहां मांस को गर्मी का उपयोग करके ठीक किया जाता है और सॉसेजेस को इसका स्वाद और सुगंध मिलती है। पारंपरिक गर्म विधियों को नियंत्रण
तापमान वाले आधुनिक ओवन से बदल दिया गया है। पैकेजिंग, एक बार सॉसेजेस स्मोक हो जाने के बाद उन्हें डिलीवरी के लिए आवश्यकता अनुसार पैकेजिंग यूनिट में पैक किया जाता है। सॉसेजेस को व्यापक रूप से सैंडविच या ब्रेड रोल में एपेटाइजर के रूप में उपयोग किया जाता है। उन्हें स्टू के साथ में मेन कोर्स के रूप में पकाया जा सकता है या इच्छा अनुसार पकाने के लिए सॉसेजेस से मांस निकाला जाता है। अब तक आपने जो देखा है वह पोर्क सॉसेजेस प्रदर्शन वीडियो और PMFME योजना का आधुनिक प्रसंस्करण है। यह PMFME योजना के अंतर्गत राज्य और यूटी सरकारों के साथ साझेदारी में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यवसायिक सहायता प्रदान करने के लिए भारत में केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की औपचारिकरण योजना शुरू की है। PMFME योजना दिशा निर्देश के बारे में विवरण के लिए विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण प्रदर्शन वीडियो और DPRS के लिए कृपया हमारे वेब लिंक पर जाएं। धन्यवाद।